फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को स्वेटर डिज़ाइन बता रही हूँ, और इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, कैप में इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो को आप लोग पूरा देखना, स्किप नहीं करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। तो चलिए बताते हैं, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें कितना फंदा चाहिए। ये देखो हमारा फ्रंट है, तो हमें इस डिज़ाइन को बनाने के लिए छः फंदा करके लेना है। दोनों साइड में हम दो दो फंदा रख देंगे और फिर छः फंदा करके ऐसे हम लेंगे डिज़ाइन के लिए। और दो फंदा हमने बीच में लिया है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही इसमें दो फंदा करके हमने लिया है। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनेगा। इसमें हमने 22 फंदे लिया है, तो इसी में हम डिज़ाइन बताएंगे। और एक फंदा इधर रखेंगे, एक फंदा इधर, और हमें बीच में डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले हम देखो फर्स्ट वाला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ हमने बॉर्डर नहीं बनाया है, केवल फंदा हमने डाल के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ हमें डिजाइन को बॉर्डर बनाना है। तो पहले हम उल्टा बीनेंगे, ये पूरे फंदे को हम पूरे सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इसे फंदा डालने के बाद हमें डिजाइन बनाना है, तो हम ऐसे बनाएंगे। अगर आप स्वेटर बनाते हो तो बॉर्डर बना के ऐसे डिजाइन बनाना, नहीं तो फिर आप अगर जैकेट बनाते हो तो ऐसे आप डिजाइन बना सकते हो। ये सीधा साइड से पहली सिलाई हमारी है, ये उल्टा उल्टा हम बना रहे हैं। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब उल्टे तरफ से हमें देखो, ये हमारा उल्टा तरफ है। अब इधर से हमें सीधा बनाना है, उल्टे तरफ से हमें फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करके सीधा फंदा बनाना है। अब ये पूरे फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। सीधा साइड से हमें उल्टा फंदा बनाना है और उल्टी तरफ से हमें सीधा फंदा बनाना है। तो दो सिलाई हमारी ऐसे कंप्लीट होगी। अब ये दो सिलाई हो गई। अब सीधे तरफ से देखो हमें कैसे बनाना है। ये देखो इधर बॉर्डर जैसा हो गया हमारा। अब यहाँ दो फंदे देखो, एक फंदा हमने स्लिप किया, एक फंदा पहले हम सीधा बने, ये दो हो गया। अब धागा आगे करेंगे, ये दो फंदा हम स्लिप करेंगे, एक दो, धागा हम पीछे करेंगे ऐसे, फिर एक छह फंदा हम सीधा बनाएंगे। तीन हो गया, चार, पाँच, ये देखो दो फंदा हमने यहाँ स्लिप किया हुआ है, और इसके बाद हमें ये छः फंदा हो गया। अब फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदा हम स्लिप करेंगे। अब धागे को हम पीछे ले जाएंगे ऐसे, फिर छः फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब धागा आगे करेंगे, दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे, फिर ये दो फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब ये देखो डिजाइन की चौथी सिलाई है, और उल्टे तरफ से फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, ये दो फंदा हो गया। अब धागा हम पीछे करेंगे, ये दो फंदा हम स्लिप कर लेंगे। जो फंदा हमने सीधे साइड से स्लिप किया था उसको हमें उल्टे तरफ से भी स्लिप करना है। अब धागा हम देखो पीछे के साइड से आगे लाएंगे, छह फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अब धागा पीछे, ये दो फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे,
फिर उल्टा बनाएंगे फंदा, छह फंदा। और धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदा हम स्लिप कर लेंगे। लास्ट में दो फंदा उल्टा। अब इधर से देखो, फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे, फिर ये दो फंदा हम स्लिप करेंगे। ऐसे ऐसे हमें पांच सिलाई में इसको स्लिप करना है। अब धागा हम पीछे ले जाएंगे, पीछे फंदा सीधा। ये दो फंदा फिर स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे, फिर छह फंदा सीधा। फिर धागा आगे, ये दो फंदा फिर से स्लिप करेंगे। अभी लास्ट में दो फंदा सीधा। अभी देखो फिर से हमें इधर से कैसे करना है। एक फंदा स्लिप करके एक फंदा हमने बनाया, फिर धागा पीछे, फिर इसको स्लिप करना है। धागा आगे, फिर छह फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, फिर इसको स्लिप करेंगे। धागा आगे, फिर छह फंदा उल्टा बनाएंगे हम। धागा पीछे, फिर ये दो फंदा स्लिप करेंगे। धागा आगे, दो फंदा उल्टा। और फिर हम आ गए सीधा साइड। तो सीधा साइड हमें देखो इसको गिनती करना है कि कितना सिलाई हमने बनाया। अब ये देखो चार सिलाई हमारी हो गई, एक दो तीन चार, इसको लेकर के चार। अब एक सिलाई हम और बनाएंगे सीधा साइड से। देखो सेम उसी तरीके से, धागा आगे, ये दो फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर छह फंदा सीधा। धागा आगे, फिर दो फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर छह फंदा सीधा। धागा आगे, दो फंदा स्लिप करेंगे, ये दो फंदा सीधा। अब ये देखो पांच सिलाई हमारी बन गई। अब छठे सिलाई में हमें ये पूरे फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, टोटल फंदा जितना हमारा है। अब ये जो स्लिप फंदा हमने करते थे इसको भी हमें बनाना है उल्टा। अब इसे हमें बुनाई कर लेना है। जब पांच सिलाई पूरा हो जाएगा तो छठे सिलाई में हमें पूरे फंदे को बुनाई करना है। अब ये देखो छह सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें ये पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा, सीधे तरफ से हमें पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाना है, फिर उल्टे साइड से हमें पूरी सिलाई सीधा सीधा बनाना है। तो जैसे हमने बॉर्डर ये वाला बनाया, फिर यहाँ बॉर्डर बन जाएगा, तो सेम उसी तरीके से फिर से हम बनाएंगे। छः फंदा हम सीधा बनाएंगे, दो फंदा स्लिप करेंगे, छः फंदा सीधा, और दोनों तरफ से जो फंदा हमारा जैसे है वैसे ही बनाना है। सीधे तरफ से सीधा फंदा बनाएंगे, उल्टे तरफ से उल्टा, और ये बीच वाला फंदा हमें स्लिप करना है पांच सिलाई में।
पांच सिलाई तक हम इसको स्लिप करेंगे, फिर छठे सिलाई में इसको टोटल फंदे को हम बुनाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारी डिजाइन बनेगी, हमने बना के रखा हुआ है। इसमें देखो पूरी डिजाइन हमारी कंप्लीट है, जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से बना हुआ है। और आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।